आज इस वीडियो अपडेट में हम एक बड़ा रेल हादसा के बारे में आपको अपडेट देंगे। दरअसल यह ट्रेन नेताजी एससी बोस जंक्शन यानी कि गोमो से चोपन के बीच जा रही थी और इसी बीच यह ट्रेन चंदपुरा रांची रोड बोकारो के रास्ते चल रही थी और इसी दौरान इस ट्रेन के साथ बड़ा रेल हादसा हुआ है। ट्रेन नंबर की बात करें तो 03343 के साथ यह ट्रेन गोमो से चोपन के बीच एक पैसेंजर ट्रेन है जिसका परिचालन नेताजी एससी बोस जंक्शन से 5:30 पर सुबह में प्रस्थान यह ट्रेन करती है और यह ट्रेन करीब करीब सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए 9:01 पर चोपन रेलवे स्टेशन रात में पहुंचती है। कुल मिलाकर यह ट्रेन 460 किलोमीटर का सफर तय करती है और यह ट्रेन का परिचालन डेली देखने को मिलता है, जहां पर कि अगर आप गोमो से चोपन के बीच सफर करते हैं तो आपको 85 रुपए का किराया इस ट्रेन के माध्यम से देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दरअसल इस ट्रेन के साथ हुआ क्या। उससे पहले आप हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब, जिससे इसी तरह के और भी अपडेट मिलता रहे और नई ट्रेनों का डिटेल भी हम आपको दे सके। मिली जानकारी के अनुसार गोमो से चोपन के बीच जा रही पैसेंजर ट्रेन के साथ एक बड़ा रेल हादसा हो गया। चालक नियंत्रण कक्ष के समीप गुरुवार की सुबह गोमो चोपन सवारी गाड़ी की एक कोच बेपटरी हो गई। 3.25 घंटे के बाद कोच को पटरी पर दोबारा लाया जा सका और उसके बाद उक्त ट्रेन लगभग 2 घंटे विलंब से गोमो रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई। सवारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लाने के दौरान देर रात 2:15 बजे इंजन की ओर से छठी बोगी पटरी से नीचे उतर गई। राहत की बात यह रही कि दुर्घटना यान के कर्मी व अधिकारी की टीम मौके पर पहुंच गए और घंटों मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त बोगी को काट कर अलग कर दिया गया। इस घटना से 4 व 5 नंबर के कोच के बीच लगे पानी की सप्लाई पाइप तथा लाइट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का जो अन्य क्षतिग्रस्त हुआ था उसे भी ठीक कर लिया गया। इसे लाने के दौरान अचानक तेज आवाज के साथ एक बोगी पटरी से उतर गई, लेकिन उसकी हालात उतनी ठीक नहीं रही। इसके बाद इसे स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन पटरी से नीचे उतरने के बाद गोमो से तेलो चंद्रपुरा भंडारीदी अमलो खुसरो बोकारो थर्मल और गोमिया के रास्ते चल रही थी। उसी दौरान इसे चलाया गया आगे के लिए जब ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। ट्रेन को वापस पटरी पर लाने के बाद क्षतिग्रस्त कोच को हटाया गया काटकर, उसके बाद ट्रेन को अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। अच्छी बात यह रही कि समय रहते ही सब कुछ ठीक कर लिया गया, जिससे पैसेंजरों की जो सुविधा थी वो बरकरार रही और ऐसे में जो अधिकारी मौके पर पहुंचे थे उनको भी इस ट्रेन के पार्ट्स को हटाने के लिए ऐलान हुआ, जिसके बाद यह ट्रेन के या पैसेंजरों को इसी ट्रेन से दोबारा रवाना किया गया। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन पर और भी नई ट्रेन रेलवे चलाएगी और उसका जो नया लिस्ट होगा वो हम आपको नए वीडियो में देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, साथ ही चैनल को कर लें सब्सक्राइब नई ट्रेनों का डिटेल्स के लिए।